स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड सेतु महात्म्य में रामतीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ और जटातीर्थ की महिमा में श्री सूत जी कहते हैं, अगस्त तीर्थ में स्नान करने के पश्चात सब पापों से मुक्त होने के बाद परम पित्र राम कुंड को जाएं। रघुनाथ जी का वह पित्र सरोवर पुण्यदायक तथा पापों का अपहरण करने वाला है। रामकुंड के किनारे किया हुआ थोड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ भी पूर्ण फल देने वाला होता है। इसी प्रकार से धाई और जब भी थोड़ा भी हो तो वह पूर्ण फलद होता है। रामकुंड के किनारे मुट्ठी भर अन्न भी यदि वे यज्ञ ब्राह्मण को दिया जाए तो वह अनंत गुना फल देने वाला होता है। मुनिवर अगस्त के शिष्य एक मुनि थे जो अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते थे। उनका नाम सुतीक्ष्ण था। वे भगवान श्री राम के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए रामकुंड के तट पर अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी के षडक्षर मंत्र ओम रामाय नमः मंत्र राज का 5000 जप करते थे। आलस्य छोड़कर रघुनाथ सरोवर के जल में स्नान करते, भिक्षा के अन्न का नियम पूर्वक आहार करते तथा क्रोध को काबू में और इंद्रियों को वश में रखते थे। इस प्रकार उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सुतीक्ष्ण जी सीता सहित श्री राम का हृदय में ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। सुतीक्ष्ण बोले, जानकी नाथ आपको नमस्कार है। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा का व्रत लेने वाले श्री राम आपको नमस्कार है। कौशल्यानंदन आपको नमस्कार है। विश्वामित्र जी के परम प्रिय आपको नमस्कार है। शिव धनुष को भंग करने वाले रघुवीर आपको नमस्कार है। दशरथ नंदन विष्णु, आप परशुराम जी को जीतने वाले हैं, आपको प्रणाम है। समुद्र के गर्व को हरने वाले और उसमें सेतु निर्माण करने वाले आपको प्रणाम है। इस प्रकार सुतीक्ष्ण जी की श्री रामचंद्र जी में चित्त लगाकर प्रतिदिन उनकी स्तुति करते हुए समय बिताते थे। सदा श्री राम के षडक्षर मंत्र का जप, उनकी स्तुति और रामकुंड में स्नान आदि करते हुए उनकी श्री रामचंद्र जी में अनन्य अत्यंत निर्मल एवं निश्चल भक्ति होगी। उन्हें आत्म साक्षात्कार कराने वाला अद्वैत विज्ञान प्राप्त हुआ और बिना पढ़े हुए ही तीनों वेदों का ज्ञान हो गया। बिना सुनी हुई बात को भी जान लेना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, आकाश में विचरण करना, समस्त कलाओं में निपुण होना, जो शास्त्र कभी नहीं सुनेंगे उनका भी बिना गुरु के ही ज्ञान हो जाना, सब लोगों में बेरोक टोक आना जाना, इंद्रिय अतीत विषयों का भी साक्षात्कार होना, देवताओं में से वार्तालाप होना, चींटी आदि जंतुओं की भी बातें समझ लेना तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव के लोक में भी चले जाना आदि, जो योगियों को प्राप्त होने वाली एम अत्यंत दुर्लभ सिद्धियां हैं, वे भी श्री राम तीर्थ के सेवन से सुतीक्ष्ण को प्राप्त हो गई। उस तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है, वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। उसके द्वारा बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह वह अपमृत्यु निवारक, भोग मोक्षदायक तथा नरक संबंधी क्लेशों को दूर करने वाला है। वह तीर सदा श्री रामचंद्र जी की भक्ति देने वाला तथा संसार बंधन का नाश करने वाला है। रामतीर्थ के तट पर समस्त लोगों पर अनुग्रह की इच्छा से महान शिवलिंग प्रकट हुआ है। उस तीर्थ में स्नान करके उक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्यों को मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। फिर अन्य विभूतियों की भी बात ही क्या है। तारक ब्रह्म श्री रामचंद्र जी के तीर्थ में स्नान करने के अनंतर चित्त को एकाग्र करके श्री लक्ष्मण जी के तीर्थ में जाएं। उसमें स्नान करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य निर्मल मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मण तीर्थ के तट पर जो उनके मंत्र का जप करता है वह शास्त्रों का विद्वान और चारों वेदों का ज्ञाता होता है। उसके तट पर लक्ष्मण जी ने महान शिवलिंग की स्थापना की है। जो उस तीर्थ में स्नान करके लक्ष्मणेश्वर का सेवन करता है
वह इस संसार में दरिद्रता, रोग और संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मण जी के महान तीर्थ में स्नान करके अपने चित्त की शुद्धि के लिए जटा तीर्थ में जाना चाहिए। पूर्व काल में साक्षात भगवान शंकर ने गंधमाधन पर्वत पर सबके उपकार के लिए इस अज्ञान नाशक तीर्थ को प्रकट किया है। रावण के मारे जाने पर धर्मात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस जल में अपनी जटा को धोया था वही जटा तीर्थ कहलाता है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्यों के अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, उससे ज्ञान होता है और उस ज्ञान से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। वह अखंड सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित होता है। पूर्व काल में मुनि श्रेष्ठ व्यास जी को प्रणाम करके सुखदेव जी ने पूछा, तात जिससे अंतःकरण की शुद्धि, अज्ञान का नाश, ज्ञान का उदय और अंत में सनातन मुक्ति प्राप्त हो, वह उपाय मुझे बताइए। तब व्यास से कहने लगे, बेटा सुखदेव, महापुण्य में गंधमाधन पर्वत पर जो राम सेतु है वहाँ सब पापों का नाश करने वाला जटा तीर्थ है। वह अविद्या की ग्रंथि को भेदन करने वाला, अंतःकरण को शुद्ध बनाने वाला तथा मनुष्यों के जन्म मृत्यु आदि भय का नाश करने वाला है। वहाँ दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने अपनी जटा धोई हैं और उस तीर्थ को वह वरदान, ये वरदान दिया है कि यज्ञ, ज्ञान, जप और उपवास के बिना ही केवल जटा तीर्थ में स्नान करने मात्र से मनुष्यों की बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। शुक्र वरुणनंदन भृगु ने पूर्व काल में अपने पिता से जब बुद्धि को शुद्ध करने वाले शुभ एवं पावन उपाय के विषय में प्रश्न किया, वरुण ने उन्हें जटा तीर्थ में स्नान करने की सलाह दी। पिता के कहने से भृगु जी जटा तीर्थ में गए और वहां स्नान करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। तत्पश्चात वे अद्वैत बोध प्राप्त करके अखंड सच्चिदानंद स्वरूप पूर्णतम परमात्मा में स्थित हुए। इसी प्रकार शिव जी के अंश दुर्वासा भी जटा तीर्थ में स्नान करने से अंतः शुद्धि को प्राप्त होकर ब्रह्म आनंद में मग्न हो गए। जो अपने अज्ञान का नाश चाहता है वह सब पापों का नाश करने वाले पुण्य में परम शुद्ध जटा तीर्थ में स्नान करे। इसलिए तुम जटा तीर्थ में जाओ और मन को शुद्ध करने वाले उस पुण्यदायक तीर्थ में स्नान करो। पिता की बात मानकर सुखदेव जी महापुण्य में राम सेतु रूप गंधमाधन पर्वत पर गए और शुद्धिदायक जटा तीर्थ में स्नान करने की इच्छा से संकल्प करके उनमें स्नान किया। इससे अंतः शुद्धि को प्राप्त पाकर अज्ञान का नाश हो जाने पर वे अपने परम अनंत स्वरूप को प्राप्त हो गए। दूसरे लोग भी जो मन की शुद्धि चाहते हैं जटा तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करें। वेदों के प्रवचन से, पुण्य से, यज्ञ, दान, तप और व्रत से तथा उपवास, जप और योग से भी मनुष्यों के मन की शुद्धि होती है, किंतु परम पावन जटा तीर्थ में स्नान कर लेने पर इन पूर्वोक्त साधनों के बिना भी निश्चित रूप से मन की शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार ये जटा तीर्थ का महत्व बतलाया गया। लक्ष्मी तीर्थ और अग्नि तीर्थ के महत्व में पिशाच योनि को प्राप्त हुए दुष्पन्न्य का उद्धार। श्री सूत जी कहते हैं, सब पातकों का नाश करने वाले जटा तीर्थ में स्नान करके विशुद्ध चित्त वाला पुरुष लक्ष्मी तीर्थ को जाए। जो जो कामना मन में रखकर मनुष्य तीर्थ लक्ष्मी तीर्थ में स्नान करता है वह सब प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मी तीर्थ बड़ी भारी दरिद्रता की शांति करने वाला, महान धन धान्य की समृद्धि देने वाला, बड़े बड़े दुखों का नाश करने वाला और महान वैभव को बढ़ाने वाला है। वह स्वर्ग और मोक्ष देने वाला, महान ऋण से छुटकारा दिलाने वाला तथा श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाला है। ब्राह्मणों, इस प्रकार ये लक्ष्मी तीर्थ का महात्म्य बतलाया गया। इस तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अग्नि तीर्थ को जाएं। वह महापुण्य में और महापातकों का विनाशक है। पूर्व काल में रावण को उसकी सेना सहित मारकर तथा विभीषण को लंका का राजा बनाकर
दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी जब सीता और लक्ष्मण के साथ सेतु मार्ग से गंधमाधन पर्वत पर आए, तब लक्ष्मी तीर्थ के किनारे ठहरकर उन्होंने देवताओं, ऋषियों और पितरों के समीप वहां अग्निदेव का आवाहन किया। तब लक्ष्मी तीर्थ से कुछ दूर पर अग्निदेव महासागर से ऊपर उठे और मानव रूपधारी श्री रघुनाथ जी को देखकर इस प्रकार बोले, राम, राक्षसों को भय देने वाले महाबाहु श्री राम, आपको जो रावण का वध किया है वह जानकी जी के पातिव्रत्य धर्म के बल से ही संभव हुआ है। ये बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये साक्षात जगत माता लक्ष्मी है, इन्होंने लीला के लिए मानव शरीर धारण किया है। जब आप देव शरीर में स्थित होते हैं तब ये भी दिव्य देह से आपकी सेवा करती है। आपने मानव शरीर धारण किया है इसलिए ये भी मानव कन्या के रूप में प्रकट हुई है। आप भगवान विष्णु के शरीर के अनुरूप ये भी शरीर धारण कर लेती है। जगत स्वामिन, देवादि देव जनार्दन, आप जब जब अवतार धारण करते हैं तब तब ये आपकी सहायिका होती है। जब आप भृगुनंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण हुए थे तब ये धरणी नाम से प्रकट हुई थी। इस समय आपके साथ ये जनक नंदिनी सीता के रूप में प्रकट हुई है और भविष्य में जब आप श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब ये रुक्मिणी होगी। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये आपकी सहायिका होती है। अतः रघुनंदन, आप मेरे कहने से इन्हें आदरपूर्वक ग्रहण करें। अग्नि का यह वचन सुनकर देवताओं और महर्षियों ने दशरथ नंदन श्री राम तथा जनक नंदिनी सीता की बार बार प्रशंसा की। श्री रामचंद्र जी ने अग्नि के साक्षी देने से परम निर्मल सती शारदी सीता को ग्रहण किया। जिस स्थान पर अग्निदेव प्रकट हुए उसी को अग्नितीर्थ समझो। अग्नि के प्रकट होने से ही उसका नाम अग्नितीर्थ हुआ। उस मोक्षदायक तीर्थ में भक्तिपूर्वक स्नान करके मनुष्य उपवास पूर्वक वेद वीता ब्राह्मणों को भोजन कराए, उन्हें वस्त्र और धन दे। ऐसा करने से वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल की बात है, पाटिल पुत्र में पशुमान नामक एक वैश्य रहते थे। वे सदा धर्म में तत्पर और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहा करते थे। सदा कृषि और गो रक्षा करते हुए पशुमान बाजार की गलियों में धर्मता सर्ण आदि का विक्रय किया करते थे। उनके तीन स्त्रियां थी जो सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। उन तीनों स्त्रियों से सुपन्या आदि 8 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जब 5 वर्ष के हो गए तब उन्हें कर्तव्य की शिक्षा दी जाने लगी। वे धीरे धीरे खेती, गौरक्षा और व्यापार का काम भली भांति सीख गए। सुपन्या आदि 7 पुत्र पिता की बात सुनते और पशुमान जो कहते उस कार्य को तत्काल पूरा करते थे। उन्होंने सोने के कारोबार में भी अत्यंत कुशलता प्राप्त कर ली थी। किंतु वैश्य का 8वां पुत्र दुष्पन्या बचपन से ही खोटे मार्ग पर चलने लगा। वह पिता की बात नहीं सुनता था। दुष्पन्या बाल्यकाल से ही बालकों को सताया करता था। पशुमान ने उसे दुष्कर्म प्रायण देखकर भी ये नादान है ऐसा कहकर उसकी उपेक्षा कर दी। तंत्र वैश्य की 8 पुत्रों युवावस्था को प्राप्त हुए। 8वां पुत्र दुष्पन्या नगर के बालकों को दोनों हाथों में पकड़ लेता और कुआं, नदी या तालाब में फेंक देता। उसके इस दुष्चरित्र को कोई नहीं जानता था। जल में उसका शव उनका देखकर लोग उनका संस्कार करते थे। तब पूर्ववासियों ने आकर राजा से वृतांत निवेदन किया। उनका वचन सुनकर राजा ने ग्राम रक्षक को बुलाया और ये आज्ञा दी, बालकों की मृत्यु का रूप धारण करके इसका पता लगाओ। ग्राम रक्षक बालकों के मारे जाने का रहस्य का पता लगाने लगे, किंतु बहुत खोज करने पर भी उन्हें उस बाल घातक का पता नहीं लगा। वे डरते हुए राजा के पास गए और बोले, महाराज, हम बहुत खोज हमारे करने पर भी ये नहीं जान सके कि कौन इस नगर में रहकर निरंतर बालकों की हत्या करता है। तदंतर किसी समय वह वैश्य बालक
अन्य 5 बालकों के साथ कमल निकाल कर ले आने के बहाने सरोवर के निकट गया। वहाँ उसने उन बालकों को जबरदस्ती पकड़कर पानी में डुबो दिया। वे बालक चीखते चिल्लाते रहे तो भी उस क्रूर आत्मा ने उन्हें कंठ तक पानी में ले जाकर डुबो दिया। उन सबको मरा हुआ जानकर दुष्पन्न शीघ्र अपने घर को चला गया। उन 5 बालकों के पिता अपने पुत्रों को नगर में ढूंढने लगे। वे 5 बालक अधिक छोटे नहीं थे, पानी में डाल देने पर भी मर नहीं सके। धीरे धीरे सरोवर के किनारे आ गए और वहीं घूमते रहे। इतने में ही अपने बंधुओं का नाम लेकर पुकारने की आवाज़ उन्हें दूर से सुनाई दी। तब उन्होंने भी जोर से बोलकर उत्तर दिया। बालकों की आवाज़ सुनकर उनके पिता सरोवर के तट पर गए। वहाँ उन्हें जीवित देखकर उन सबको बड़ा हर्ष हुआ। फिर पिता आदि ने पूछा, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? तब बालकों ने दुष्पन्न के उस दुष्कर्म का वृतांत अपने बंधुओं को कह सुनाया। ये बात जानकर पुरवासियों ने राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने पशुमान को बुलाकर कहा, पशुमान, ये नगर बहुत से बालकों से भरा पूरा रहा है, किंतु तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने इसे प्रायः सूना कर दिया। अभी अभी इन बालकों को उसने जल में डुबो दिया था, परंतु देव योग से ये जीवित निकल आए हैं। बताओ इस समय क्या करना चाहिए? मैं तुम्हीं से पूछता हूं, क्योंकि तुम सदा धर्म में तत्पर रहते हो। राजा के ऐसा कहने पर धर्मज्ञ पशुमान ने कहा, राजन, जिसने सारे नगर को सूना कर दिया है वह वध के ही योग्य है। इस विषय में कुछ पूछने की बात ही नहीं है। ये अत्यंत पापात्मा मेरा पुत्र नहीं शत्रु ही है, जिसने इस नगर को बालकों से खाली कर दिया। उस दुष्ट के उदार का मुझे कोई उपाय नहीं दिखाई देता। मैं सच कहता हूँ कि दुष्ट आत्मा को प्राण दंड दिया जाए। पशुमान का ये वचन सुनकर समस्त पुरवासी पशुमान की प्रशंसा करते हुए राजा से बोले, महाराज, इस दुष्ट को मारा ना जाए, अपितु चुपचाप नगर से निकाल दिया जाए। तब राजा ने दुष्पन्न को बुलाकर कहा, अरे दुष्टात्मन, तो शीघ्र हमारे राज्य से बाहर चला जा। यदि यहाँ रहेगा तो मैं तेरा वध कर डालूंगा। इस प्रकार डांटकर बताकर राजा ने दूतों द्वारा उसे नगर से निर्वासित कर दिया। तदनंतर दुष्पन्न भयभीत होकर उस देश को छोड़कर मुनि मंडली से युक्त वन में चला गया। वहां जाकर भी उसने एक मुनि के बालक को जल में डुबो दिया। कुछ बालक खेलने के लिए गए हुए थे, उन्होंने उस बालक को मरा हुआ देखकर अत्यंत दुखी होकर उसके पिता से ये समाचार कहा। तब उग्र शिरवा ने बालकों से अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुनकर तप के प्रभाव से दुष्पन्न के चरित्रों को जान लिया और उसे शाप देते हुए कहा, अरे तूने मेरे पुत्र को पानी में फेंक कर मार डाला है, इसलिए तेरी मृत्यु भी जल में ही डूबने से होगी और मरने के बाद तो दीर्घ काल तक पिशाच बना रहेगा। ये शाप सुनकर दुष्पाप को बड़ा दुख हुआ तथा वह उस वन को छोड़कर सिंह आदि क्रूर जंतुओं से युक्त दूसरे भयंकर वन में चला गया। वहाँ बड़े जोर की वर्षा और आंधी चलने लगी। दुष्पन्न ने देखा एक मरे हुए हाथी का सूखा कंकाल पड़ा है। उस समय आंधी और प्रचंड वर्षा के कष्ट को ना सह सकने के कारण वह उस हाथी के पेट में की गुफा में घुस गया। फिर बड़ी भारी वर्षा हुई, जल का महान प्रवाह हाथी के पेट में भी भर गया। हाथी का शव उस महाप्रवाह में बहते बहते समुद्र में चला गया। दुष्पन्न उस जल में डूबकर क्षण भर में प्राणहीन हो गया। मृत्यु के बाद उसे पिशाच की योनि मिली। भूख प्यास से पीड़ित होकर वह भयानक रूप धारी पिशाच अनेक प्रकार के दुख सहता हुआ गहन वन में रहने लगा। एक वन से दूसरे वन में दौड़ता और कष्ट भोगता हुआ वह क्रमशः दंडकारण्य में आया। वहां उसने उत्सर्ग से पुकार लगाई, हे तपस्वी महात्माओं, आप लोग बड़े कृपालु और सब प्राणियों के हितों में तत्पर रहने वाले, मैं दुख से अत्यंत पीड़ित हूँ, क्या मुझे अपनी दया दृष्टि से अनुग्रहित करें।
पूर्व काल में मैं पाटलिपुत्र नगर में पशुमान का पुत्र दुष्पन्न नामक वैश्य था। उससे मैंने बहुत से बालकों की हत्या की। अब मैं पिशाच योनि को प्राप्त हुआ हूँ। भूख प्यास सहन करने की मुझमें शक्ति नहीं रह गई है, अतः आप लोग कृपा करके मेरी रक्षा करें। तपोधनो, जिस प्रकार मैं पिशाच योनि से छूट जाऊँ वैसे प्रयत्न कीजिए। पिशाच का ये वचन सुनकर तपस्वी मुनियों ने महर्षि अगस्त्य से कहा, भगवान इस पिशाच के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब अगस्त्य ने अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण को बुलाकर कहा, वत्स सुतीक्ष्ण, तुम शीघ्र गंधमाधन पर्वत पर चले जाओ। वहाँ सब पापों का नाश करने वाला महान अग्नि तीर्थ है। महामते, इस पिशाच के उद्धार के उद्देश्य से तुम इस तीर्थ में स्नान करो। अगस्त्य के ऐसा कहने पर सुतीक्ष्ण जी गंधमाधन पर्वत पर गए और अग्नि तीर्थ में जाकर पिशाच के लिए स्नान का संकल्प करके वहाँ उन्होंने 3 दिन तक नियम पूर्वक स्नान किया। फिर रामनाथ आदि तीर्थ का सेवन और स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सुतीक्ष्ण जी अपने आश्रम पर लौट आए। उस तीर्थ में स्नान के प्रभाव से वह पिशाच शीघ्र ही दिव्य देह में प्राप्त हुआ और सुतीक्ष्ण आलस्य तथा अन्य तपोधनों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गलोक को चला गया। स्कंद पुराण में ब्रह्मखंड के सेतु महात्म्य में चक्रतीर्थ, शिवतीर्थ, शंखतीर्थ और जमुना गंगा एवं ज्ञात तीर्थ की महिमा। राजा जानश्रुति को रैकक के उपदेश से ब्रह्म भाव की प्राप्ति। अग्नि तीर्थ में स्नान करके शुद्ध आत्मा पुरुष सब पातकों का नाश करने वाले चक्रतीर्थ की यात्रा करे। जिस जिस कामना के उद्देश्य से मनुष्य चक्रतीर्थ में स्नान करता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में कठोर नियमों का पालन करने वाले अहिर्भुंध्य नामक तपस्वी महर्षि इस गंधमादन तीर्थ में सुदर्शन चक्र की उपासना करते थे। वहाँ तपस्या करते हुए मुनि को भयानक रूपधारी राक्षस सताते और उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। तब भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र ने आकर बाधा देने वाले उन समस्त राक्षसों को लीलापूर्वक मार डाला। भक्त की प्रार्थना से वह चक्र उस तीर्थ से तीर्थ में रहने लगा, तभी से उसका नाम चक्रतीर्थ हो गया। उस तीर्थ में स्नान करने पर सुदर्शन चक्र के प्रसाद से राक्षस और पिशाच आदि की पीड़ा कभी नहीं होती। श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे एक दिन वन में गए। वहाँ एक वनवासी व्याध मनोरंजन के लिए लक्ष्य भेदन कर रहा था। हरिहर बाबा उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुँच गए और वहाँ इस तीर्थ में स्नान करने पर उसके दोनों पैर ज्यों के त्यों हो गए। तब से ये पुण्यतीर्थ मनुतीर्थ कहलाता था। आगे चलकर चक्र के नाम से ये चक्र तीर्थ कहलाने लगा। जिनके हाथ पैर या अन्य कोई अंग कट गए हों वे उस कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन करें। इस प्रकार ये चक्र तीर्थ का प्रभाव बतलाया गया। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव तीर्थ को जाए, जहाँ स्नान करने से कोटि कोटि महापातक नष्ट हो जाते हैं। महापातकों के संसर्ग से होने वाले पाप भी उसी क्षण दूर हो जाते हैं। शिव तीर्थ महान दुखों और नरक के क्लेशों का निवारण करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष देने वाला है। शिव तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अपने पाप समुदाय की शांति के लिए शंख तीर्थ की यात्रा करें, जिसमें स्नान करने मात्र से कृतघ्न पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर शंख नामक मुनि निवास करते थे। वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या में संलग्न रहते थे। उन्होंने वहाँ स्नान करने के लिए उत्तम तीर्थ का निर्माण किया। शंख से निर्मित होने के कारण उसे शंख तीर्थ कहते हैं। उसमें स्नान करने से माता पिता और गुरु से द्रोह करने वाले पापी तथा अन्य कृतघ्न भी मुक्त हो जाते हैं। इस कारण कृतघ्न मनुष्यों को इस तीर्थ का अवश्य सेवन करना चाहिए। जो माता पिता का पालन नहीं करता और गुरु दक्षिणा नहीं देता
वह कृत घनता को प्राप्त होता है। स्वयं ही चिता में जल मरना उसका प्राश्चित है, परंतु इस शंख तीर्थ में ज्ञान मात्र से ही उस कृत घनता का भी प्राश्चित हो जाता है। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः जमुना, गंगा और गया आदि तीर्थ की यात्रा करे। ये तीनों तीर्थ मनुष्यों के महापापों का नाश करने वाले परम पित्र हैं और समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा समस्त विघ्नों तथा रोगों का निवारण हो जाता है। ये तीर्थ अज्ञान का नाश और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में महाराज जानश्रुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके दिश्रेष्ठ रैक से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि रैक पहले गंधमाधन पर्वत पर रहकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते थे। वे जन्म से ही पंगु थे, अतः गंधमाधन पर्वत पर जो जो तीर्थ थे वे उन्हीं की यात्रा करते थे, क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे। पैदल ना चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उस तीर्थ में जाते थे, इसलिए गाड़ी वाले रैक के नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या से अपना शरीर सुखा डाला था, उनके उस शरीर में खाज हो गई थी जिसे वे दिन रात खुजलाते रहते थे, फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं जमुना, गंगा और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं, परंतु मैं तो जन्म से पंगु हूं, अतः मेरे लिए वहां का स्नान दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती तथा इस समय मैं क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रैक ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्हें सोचा, मेरा तपोबल दुर्धर्ष एम असहाय है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीनों तीर्थों का आवाहन करूँगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके पूर्व की ओर मुख करके बैठे, मन इंद्रियों को संयम में रखकर तीन बार आचमन किया और एक क्षण तक ध्यान में लगे रहे। उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी जमुना, गंगा और पापनाशिनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा पाताल से प्रकट हो गई और मानव शीत धारण करके गाड़ी वाले रैक के समीप आ उन्हें प्रणाम करते ही प्रसन्नतापूर्वक बोली, रैक तुम्हारा कल्याण हो, इस ध्यान से निवृत्त हो। तुम्हारे मंत्र से आकृष्ट होकर हम तीनों यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनका ये वचन सुनकर महामुनि रैक ध्यान से निवृत्त हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। जब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा, हे जमने, हे देवी गंगे और हे पाप नाशनी गई, तुम तीनों गंधमाधन पर्वत पर वही निवास करो जहाँ भूमि फोड़ कर यहाँ प्रकट हुई हो, वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र हो जाएं। तब वे तीनों देवियाँ तथास्तु कहकर सहसा अंतर ध्यान होगी, तब से ये तीर्थ तीनों भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फोड़कर जमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं। जहाँ पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ वह स्थान लोक में पावन पाप नाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ और जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ वह भूमि विवर गया तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े पवित्र हैं। जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। रैक मुनि अपने मंत्र द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करने करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इसी समय महाराज जानश्रुति इस भूतल पर राज्य करते थे। वे राज ऋषि पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धापूर्वक अन्न आदि देते थे, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्राद्धे कहते थे। भूखे याचकों की तृप्ति के लिए उस अन्न धन संपन्न राजा के यहाँ नाना प्रकार के वचन कहे जाते थे, इसलिए सब याचकों ने उनका नाम बहुवाक्य रख दिया था। जनश्रुत के पुत्र महाबली जानश्रुति को अतिथि बहुत प्रिय थे, इसलिए वे बहुत दान करने के कारण
बहुदाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। नगरों में, राज्य में, गांवों और जंगलों में, चुराहों पर तथा सभी बड़े बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने पीने की बहुत सामग्री प्रस्तुत रहती थी। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्न, पान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस राजा के गुणों से महाभाग देवऋषि बहुत संतुष्ट हुए। उन सब के मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा जानश्रुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे। उसी समय देवऋषि गण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने से हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए उपहासपूर्वक कहा, भल्लाक्ष, अरे ओ भल्लाक्ष, क्या आगे आगे जाता हुआ तो अंधों की नाई देखता नहीं है कि आगे पूजनीय राजा जानश्रुति विराजमान है। यदि तू उन राजऋषि को लांग कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। ऐसा कहते हुए उस हंस के आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, अहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, तथापि इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा करते हो। ये धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैक मुनि जानते हैं। इस राजा का तेज उसके समान नहीं है। रैक की पुण्य राशियों की संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूलिकण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना में आ सकते हैं, परंतु रैक मुनि के महामेरु सदृश पुण्य पुंजों की गणना नहीं की जा सकती। राजा जानश्रुति में तो वैसा धर्म ही नहीं है, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है। अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़कर उसी गाड़ी वाले रैक मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने जन्म से पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से मंत्र द्वारा जमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप बुला लिया है। आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया, तब वे हंस रूपधारी देवऋषि पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर पौत्रायन राजा जानश्रुति रैक मुनि को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचे हुए सुनकर बहुत उदास हो गए और बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे। उस हंस ने रैक को ऊंचा बताते हुए मुझे तुच्छ कहा था, अहो, रैक की कैसी महिमा है। अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैक की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझ अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। रात्रि बीतने पर महाराज जानश्रुति ने सारथी को बुलाकर कहा, सूत, तुम तीव्रगामी रथ पर आरूढ़ हो शीघ्र जाओ और महर्षियों के आश्रमों, पितृवनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुष के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों तथा अन्य स्थानों में जहाँ मुनिवर लोग रहते हैं, योगीश्वर रेवत का पता लगाओ। वे जन्म से पंगु हैं, गाड़ी पर बैठी रहती हैं, सब धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं और ब्रह्म ज्ञान की निधि हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौटा। बहुत अच्छा कहकर सारथी वेगवान रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकला। उसने ब्रह्म ज्ञानी रैक मुनि की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के पश्चात वह क्रमशः महर्षियों से भरे हुए गंधवाधन पर्वत पर गया। वहाँ खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैवे को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्म चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही रैवे हैं। तब उनके पास जाकर उसने प्रणाम किया, उनके समीप बैठकर विनयपूर्वक पूछा, ब्राह्मण, क्या आप ही गाड़ी वाले रैकपु नाम से विख्यात हैं। मुनि बोले, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रैकपु हूँ।
मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के साथ पास पहुंचकर उसने सब समाचार निवेदन किया। तब राजा जान श्रुति 600 गवें धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और खच्चरियों से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रतापूर्वक रैक्कोमणि के समीप चले। वहां पहुंचकर राजा ने रैक्को से कहा, भगवान मेरी दी हुई ये सब वस्तुएं स्वीकार कीजिए, इन सब को लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले रैक्को ने राजा जान श्रुति को इस प्रकार उत्तर दिया, राजन ये गवें ये सोने का भार और ये रथ सब तुम्हारे ही पास रहे, मैं तो बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ, इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा। रैक्य का ये वचन सुनकर जान श्रुति ने कहा, ब्राह्मण आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का मूल्य नहीं है, आप ये गाय धन और रथ ग्रहण करें या ना करें, किंतु मुझे निष्कल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दे। रैक्य बोले, जिसका संसार से वैराग्य हो और जिसके पुण्य पाप कर्म प्रारब्ध का विनाश हो जाए वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है तथापि अभी तुम्हारे पुण्य पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनवांछित फलों को देने वाले हैं, उनके नाम हैं जमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र स्नान करो, इससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा, तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूँगा। रैक्य मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हस्य खिल उठे, उन्होंने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया, उस स्नान मात्र से उनका चित्त शुद्ध हो गया। तब वे अपने गुरु रैक्य मुनि के पास आए। रैक्य ने जान श्रुति को कृपापूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त होने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न होकर योगी रैक्को के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। स्कंद पुराण के सेतु महात्म्य में कोटि तीर्थ की महिमा, भगवान श्री कृष्ण का अवतार कंसवध तथा श्री कृष्ण का कोटि तीर्थ में स्नान। श्री सूत जी कहते हैं, यमुना गंगा और गया तीर्थ में प्रसन्नतापूर्वक स्नान करके कोटि तीर्थ की यात्रा करें। वह पुण्यमय तीर्थ सब लोकों में विख्यात है। दुःस्वप्न महापातक और बड़े बड़े विघ्नों का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को परम शांति देने वाला है। पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में रावण को मारकर गंधमादन पर्वत पर लोक अनुग्रह के लिए एक शिवलिंग की स्थापना की। उस लिंग का अभिषेक करने के लिए वे शुद्ध जल ढूंढने लगे, किंतु वैसा जल उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। तब रघुनाथ जी ने मन ही मन गंगा जी का स्मरण करते हुए धनुष की कोटि से शीघ्र पृथ्वी को विदीर्ण किया। श्री राम के धनुष की वह कोटि रसातल तक पहुंच गई। फिर उन्होंने धनुष को पृथ्वी से ऊपर निकाला, तब उसी मार्ग से पाताल गंगा बाहर निकल आई। उसी जल से श्री रामचंद्र जी ने शिवलिंग का अभिषेक किया। श्री रामचंद्र जी धनुष की कोटि से उस तीर्थ का निर्माण हुआ था, इसलिए वह तीनों लोकों में कोटि तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। गंधमादन पर्वत पर जो जो तीर्थ हैं उन सब में पहले स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य अवशिष्ट पापों से छूटने के लिए कोटि तीर्थ में स्नान करे। अन्य तीर्थों में स्नान करने से भी जो पाप समुदाय नष्ट होता वे अनेक कोटि जन्मों का उपार्जित तथा शरीर की हड्डियों में स्थित पाप पुंज कोटि तीर्थ में स्नान करने से पूर्णता नष्ट हो जाता है। यदि कोई शिक्षा अनुसार कहीं जा रहा हो या तीर्थ यात्रा करता हो और मार्ग में उसे कोई तीर्थ या देवालय मिल जाए तो उसे देखकर या सुनकर भी जो मोहवश उसका सेवन नहीं करता वह मनुष्य अधम है, ऐसा महर्षियों का वचन है।
इसलिए सेतु को जाने वाला पुरुष यदि वहाँ के अन्य तीर्थों में स्नान नहीं करता तो वह तीर्थ उल्लंघन के दोष से ब्राह्मणों द्वारा बाहर कर देने योग्य है। अतः चक्र तीर्थ आदि में अवश्य स्नान करना चाहिए। इन तीर्थों में स्नान करने के पश्चात शेष पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को कोटि तीर्थ में स्नान करना चाहिए। पौर काल में श्री रामचंद्र जी उसमें स्नान करके उसी क्षण पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वानरों तथा लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या को चल दिए। अतः उन्हीं की भांति कोटि तीर्थ में स्नान करके शेष पाप से छूटा हुआ मनुष्य उसी क्षण वहां लौट आए। ये श्रेष्ठ तीर्थ सब लोकों में प्रसिद्ध है। श्री रामचंद्र जी ने भगवान रामेश्वरम का अभिषेक करने के लिए उसका निर्माण किया था। साक्षात भगवती गंगा उसमें निवास करती है तथा तारक ब्रह्म श्री राम ने वहाँ स्नान किया है। उस कोटि तीर्थ की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। यदुवंश में वासुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय थे जो शूरसेन के पुत्र थे। उन्हीं दिनों भोज कुल में देवक की एक पुत्री थी जो देवकी के नाम से विख्यात थी। वसुदेव जी देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ हो अपने निवास स्थान को चले। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वसुदेव का सारथी बनकर रथ थांकने लगा। इतने में ही बहन और बहनोई को ले जाने वाले कंस को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, शत्रुधवन कंस, जिस देवकी को तुम लिए जा रहे हो उसका आठवां घर तुम्हारा पातक होगा, वो तुम्हारा घातक होगा। यह दिव्य वाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और बहन को मार डालने का प्रयत्न किया। ये देख वसुदेव जी ने कहा, कंस, इससे जो संतानें पैदा होंगी उन सब को मैं तुम्हें सौंप दूंगा। ये तुम्हारी बहन है, इसे क्यों मारते हो, इसे मत मारो, इससे तो तुम्हें कोई भय नहीं है ना। ये सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया और वसुदेव देवकी के साथ अपने घर को लौटा। कंस बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बहन और बहनोई दोनों के पैरों में बेड़ी डालकर कारागार में कैद कर दिया। तंतर बहुत समय व्यतीत होने पर देवकी ने वसुदेव जी से क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सबको वसुदेव ने कंस को अर्पित कर दिया और कंस ने उनका वध कर डाला। इस प्रकार देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उससे भगवान विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित कर दिया। रोहिणी उन दिनों नंदगोप के घर में निवास करती थी। लोगों में ये बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। तंत्र स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ होकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10 महीने बीत जाने पर अविनाशी भगवान श्री हरि देवकी के उदर से प्रकट हुए जो कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय में शंख चक्र गदा और खड़ग से शोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनके मस्तक पर क्रीट और गले में वनमाला शोभा पा रही थी। माता पिता के शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर भगवान श्रीहरि को देखकर वसुदेव जी ने उनका स्तवन किया। वसुदेव बोले, प्रभु, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही इस विश्व के पालक हैं। इसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप ही हैं। ये संपूर्ण विश्व आप में ही स्थित है। भगवान, आप ही प्रकृति, महतत्व, विराट, सुराट और सम्राट सब कुछ हैं। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके प्रक्रम का कोई परिमाण नहीं है। आप साक्षात नारायण हैं, आपको नमस्कार है। आप शांग्र धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदन खड़ग और कौमोद की गदा धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत मनोरम रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले वसुदेव को और देवी देवकी को भी प्रसन्न करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, माता और पिताजी, आप दोनों भयभीत ना हों। मैं कंस का वध करूँगा। नंद गोप की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है।
वे सब लोगों को मोहने वाली मेरी माया ही है। आप मुझे ले जाकर यशोदा की शैया पर सुला दें और यशोदा की पुत्री को लाकर देवकी की शैया पर सुला दें। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वसुदेव जी ने वैसा ही किया। देवकी की शैया पर सुलाते ही वह मायामयी पुत्री रोने लगी। बालक के रोने की ध्वनि सुनकर कंस व्याकुल चित्त होकर आया और सुत का गृह में घुसकर उसने कन्या को ले लिया। उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं आई। उसने उस बालिका को ले जाकर पत्थर पर पटक दिया। उसके हाथ से छूटते ही वह बालिका 8 बड़ी बड़ी भुजाओं में युक्त अस्त्र शस्त्रों से शोभित महादेवी के रूप में प्रकट हुई और कंस को पुकार कर अत्यंत कुपित होकर बोली, अरे पापात्मा कंस ओ दुर्बुद्धि रे मूर्ख, तेरे प्राणों को हरने वाला शत्रु कहीं ना कहीं उत्पन्न हो गया है। अब तो अपनी मृत्यु रूप उस शत्रु की खोज करता रहे। ऐसा कहकर देवी जो मनुष्यों में पूजा पाकर उनका अभिसिद्ध करने वाली है दिव्य स्थानों में चली गई। देवी का वचन सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो उठा। उसने अपना प्राणांत करने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए तथा दूसरे दूसरे बालकों को भी सताने के लिए पूतना आदि बाल ग्रहों को भिन्न भिन्न स्थानों में भेजा। वे सभी बाल ग्रह नंद के गोकुल में गए और वहाँ श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। तंत्र कुछ दिन और बीत जाने पर बलभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर सयाने हो गए। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं में से खेल किए। कुछ काल तक वे दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए बछड़े चराते रहे। कुछ वर्षों तक गायें चराते रहे। उस समय वे वन में गुंजा और तापिच्छ के आभूषण धारण करते थे। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण धीर काल तक गोकुल में नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को गोकुल में भेजा। अक्रूर जी कंस की आज्ञा से जाकर उन दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा बुला ले आए। मथुरापुरी स्वर्ण में द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और श्री कृष्ण को लाकर अक्रूर जी पुरी में गए और कंस से मिलकर उसे सब समाचार बताया। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया। तंत्र दूसरे दिन वसुदेव के दोनों पुत्र अपने प्रिय मित्र गोपाल बालकों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियां उनके रूप गुण की प्रशंसा करती और वे उसे सुनते हुए आगे बढ़ते जाते थे। तदनंतर श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में जाकर दृढ़ प्रत्यंचा वाले बड़े भारी धनुष को देखा और सब वृक्षों को दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया। फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया तब बीच से टूटकर उसके 2 टुकड़े हो गए। धनुष टूटने का शब्द सुनकर वहां आए हुए बलवान वृक्षों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के 2 टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सबको मार गिराया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवल्यापीड़ नामक हाथी को मारकर महान बल और प्रक्रम से युक्त बलराम तथा श्री कृष्ण ने उनके दोनों दांत उखाड़ लिए और उन्हें हाथ में पकड़कर कंधे पर रखे हुए क्षण भर में वे रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने चाणूड़ मुष्टिक बल तथा दूसरे दूसरे प्रमुख पहलवानों को मारकर परम धाम को पहुंचा दिया। फिर दोनों भाई शीघ्र ही उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए। वहां कंस से ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। उसे तिनके के समान समझकर वे उसके समीप इस प्रकार स्थित हुए जैसे 2 सिंह तुच्छ मृग के पास खड़े हों। तदनंतर श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस के पैर पकड़कर उसे खींच लिया और बड़े वेग से आकाश में घुमाया। इतने में ही उसके प्राण बखेड़े उड़ गए। तब प्राण रहित कंस को उन्होंने धरती पर गिरा दिया। फिर बलराम जी भी कंस के 8 भाइयों के को मुक्कों से ही मार गिराया। इस प्रकार कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अत्यंत दुख भोगने वाले अपने माता पिता को कारागार के बंधन से मुक्त किया और अन्य सब लोगों को भी बलराम और श्री कृष्ण ने आश्वासन दिया। श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया ये समाचार सुनकर वसुदेव के अन्य बंधु बांधव जो पहले कंस के द्वारा पीड़ित होकर अन्यत्र चले गए थे मथुरापुरी में लौट आए।
भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को स्थापित किया। तत्पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्ण को दर्शन के लिए अपने पास हुए नारद जी मुनियों ने इस प्रकार पूछा, ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पाप आत्मा कंस का वध किया है, पर यह कंस मेरा मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध से वध में दोष बताते हैं, अतः उस दोष के निवारण के लिए आप लोग मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। ये सुनकर नारद जी ने अद्भुत पराक्रमी श्री कृष्ण से मधुर वाणी में भक्ति एवं प्रेम के साथ कहा, यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्ध एवं मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं, सनातन परमात्मा हैं, आपके लिए पुण्य अथवा पाप नहीं है। तथापि गरुड़ध्वज, आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्राश्चित अवश्य करना चाहिए। माधव, गंधमाधन पर्वत पर जो परम पुण्य में राम सेतु है, वहां पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वरम नामक शिवलिंग है, उसके अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने धनुष की कोटी से पृथ्वी को भेदकर एक तीर्थ प्रकट किया था, जो कोटी तीर्थ के नाम से विख्यात है। वह धर्म के लिए हितकर और पापों का नाश करने वाला तीर्थ है, आप उसी में स्नान करें। कोटी तीर्थ का स्नान ब्रह्म हत्या आदि का भी निवारण करने वाला है। नारद जी का ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण राम सेतु पर आ गए और कुछ दिनों में कोटी तीर्थ में स्नान एवं अनेक प्रकार के दान करके रामेश्वर की सेवा पूजा करने के पश्चात मथुरापुरी में लौट आए। कोटी तीर्थ का ऐसा ही पुण्य में प्रभाव है। ब्राह्मणों, इस तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार ये कोटी तीर्थ का महत्व बतलाया गया, जिसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। सर्वतीर्थ तथा धनुष कोटि तीर्थ की महिमा में श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर मनुष्य सर्वतीर्थ की यात्रा करे। पूर्व काल में सुचरित्र नाम से प्रसिद्ध एक मुनि थे, जो सदा ही नियमों में संलग्न रहते थे। उनका नाम भृगुवंश में हुआ था, उनका जन्म भृगुवंश में हुआ था। वे जन्म के ही अंधे थे, फिर बुढ़ापे ने आकर उनको और भी आतुर बना दिया। नेत्र ना होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में सभी तीर्थों में स्नान करने की इच्छा होती थी। वे महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर पुण्य में गंधमाधन पर्वत पर गए और भगवान शंकर जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते। तीनों समय स्नान और आतिथ्य का सत्कार उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था। वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते और जबालो उपनिषद में बताई हुई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इससे भगवान चंद्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए और सुचरित्र मणि के आगे प्रकट हुए। वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ होकर भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थी। वे अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को अंधकार शून्य किए देते थे। उनका सब अंग विभूतियों से उज्जवल दिखाई देता था। वे जटाभार से शोभा पा रहे थे। भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन कराने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए। तब सुचरित ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्न चित्त होकर इस प्रकार भगवान जी की स्तुति की। सुचरित बोले, देव महेश्वर आपकी जय हो, कल्याणकारी धूर्षते आपकी जय हो, ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव, आप त्रिपासुर के विनाशक तथा काल के भी काल हैं, आपकी जय हो, भगवती उमा के स्वामी महादेव आपकी जय हो, कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर आपकी जय हो, शिव आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य, संपूर्ण भूतों के रक्षक तथा अविनाशी देवता हैं, आपकी जय हो, त्रिलोचन आपने भक्तों की रक्षा का व्रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है, व्योमकेश आपको नमस्कार है, करुणा विक्रय आपकी जय हो,
नीलकंठ आपको नमस्कार है, आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, आपकी जय हो। महेश्वर परम अनंत स्वरूप आपको नमस्कार है, गंगाधर आपको नमस्कार है, विश्वेश्वर सुख स्वरूप अविनाशी देव आपको नमस्कार है, आप भगवान वासुदेव हैं, शंभु आपको नमस्कार है, आप सर्व उग्र भर्ग एम कैलाशपति को नमस्कार है, करुणा सिंधो अपनी कृपा दृष्टि से देखकर मेरी रक्षा कीजिए, भगवान हर मेरे चित्र की ओर न देखकर अपनी दया से ही मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुचरित मुनि से कहा, मुनि तुम कोई मनवंचित वर मांगो। तब मुनि ने दया निधान शिव जी से कहा, भगवान चंद्रशेखर वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत ढीला हो गया है, इसलिए मैं कहीं भी जाने में असमर्थ हूँ, तथापि सब तीर्थों में स्नान करने की मेरी इच्छा है, अतः सब तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसकी प्राप्ति का साधन मुझे भी बताइए। तो महादेव जी बोले, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करूँगा। ये कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रशंसा के लिए वहाँ सब तीर्थों का आवाहन किया और सुचरित से इस प्रकार कहा, मुनि यहाँ सब तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्वतीर्थ होगा, ये सर्वतीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होगा, अतः शीघ्र मुक्ति पाने के लिए इस तीर्थ में स्नान करो। ये काम मोह भय क्रोध लोभ तथा रोग आदि का नाशक है, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति का साधन, जन्म मृत्यु आदि ग्रास समूहों से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला तथा कुंभीपाक आदि समस्त नरकों की आग बुझा देने वाला है। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सुचरित ने अपने समीप ही सर्वतीर्थ में स्नान किया। स्नान करके जब वे जल से बाहर निकले तब मनुष्यों ने देखा कि उसके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियाँ नहीं रह गई हैं और वे अत्यंत सुंदर तरुण हो गए हैं। तंत्र महादेव जी ने कहा, सुचरित तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझ मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदा इसी में स्नान करो, अन्य देश के तीर्थों में मत जाओ, अंत में इस तीर्थ के महात्म से तुम मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे, दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद सुचरित मुनि बहुत समय तक सर्वतीर्थ के किनारे टिके रहे, वे मन को संयम में रखते हुए सदा उसी तीर्थ में स्नान करते थे। देव स्नान होने पर उन्होंने सब बंधनों से मुक्त होकर भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त किया। इस प्रकार यहाँ सर्वतीर्थ के महत्व का वर्णन किया गया। जो मनुष्य इसे पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। अत्यंत पावन सर्वतीर्थ में स्नान करने के पश्चात मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश करने वाली धनुष कोटि में स्नान करने के लिए जाए, उसके स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो लोग धनुष कोटि का दर्शन उसमें स्नान अथवा उसकी चर्चा करते हैं वे 28 भेदों वाले नरक में कभी नहीं पड़ते। मनुष्यों को तिला पुरुष के दान से जो फल मिलता है वही धनुष कोटि में गोता लगाने से भी मिल जाता है। 1,000 गौदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों में से मनुष्य जिस जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उसको धनुष कोटि में स्नान करने से तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। धनुष कोटि तीर्थ सब पातकों का नाशक, अद्वैत ज्ञान देने वाला, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला, अभीष्ट मनोरथों का दाता तथा ज्ञान दूर करने वाला है। उसके होते भी मनुष्य उस तीर्थ को छोड़कर अन्यत्र रमता रहता है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो ऋषियों ने पूछा, सूत जी उस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ? तो सूत जी कहने लगे, समस्त लोगों के लिए कंटक रूप रावण जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया और विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित कर दिया गया, तब सीता लक्ष्मण तथा सुग्रीव आदि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मनिष्ठ धर्मज्ञ विभीषण ने
महात्मा रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान आपके बनाए हुए सेतु के मार्ग से सभी बल अभिमानी राजा आकर मेरी लंकापुरी को पीड़ित करेंगे, अतः आप अपनी ध्वज की कोटी से इस सेतु को तोड़ डालिए। भीषण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोटी से उस पुल को तोड़ डाला, इसलिए उस तीर्थ का नाम धनुष कोटी हो गया। श्री राम के धनुष की कोटी से की हुई रेखा का जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। नर्मदा के तट पर किया हुआ तप बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। गंगा तट पर मृत्यु हो तो वह मोक्ष रूप फल देने वाली है, और कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्म हत्या आदि पापों को शुद्ध करने वाला है, किंतु धनुष कोटी में तप, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वह महापातकों का नाश, मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि कराने वाला होता है। मनुष्य तभी तक पातकों और उपपातकों से पीड़ित होता है जब तक कि उसे मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं होता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय की अज्ञानमय ग्रंथि कट जाती है, उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र अर्थात 1 खरब तीर्थ हैं, उन सब का निवास इस धनुष कोटि में है। धनुष कोटि में तपस्या करके देवता और महर्षि बड़ी बड़ी सिद्धियों को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराता है वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख का भागी होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदित योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थित होने पर माघ मास में धनुष कोटि में स्नान करता है वह गंगा आदि सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है, उसे अक्षय लोगों की तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्त्री अथवा पुरुष के जन्म से लेकर जितने पाप हैं वे सब माघ मास में धनुष कोटि तीर्थ में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। जो क्रोध को जीतकर प्रतिदिन एक समय भोजन करते हुए माघ मास में धनुष कोटि में नहाता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। शिवरात्रि में निराहार एवं जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करें और प्रत्येक पहर में रामेश्वरम महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करें। फिर दूसरे दिन सर्वोदय सूर्योदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगाकर अन्य तीर्थों में भी नियम पूर्वक रहकर स्नान करें। पुनः नित्य कर्म करके भगवान रामेश्वरम की आराधना करें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन करावें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार भूमि, गौ, तिल, धान्य और धन दान करें। तदंतर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी मौन होकर भोजन करें। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान रामेश्वरम उनके सब पाप छुड़ा देते हैं और उसे भोग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष चाहने वाले पुरुषों को माघ मास में धनुष कोटि में अवश्य स्नान करना चाहिए। जो सूर्य नारायण के आधे उदय के समय धनुष कोटि में स्नान करता है उसके वश में ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवता हो जाते हैं। जो मनुष्य चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इस तीर्थ में स्नान करता है वह सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मुनिवरो, तुम सब को छोड़कर भोग और मोक्ष रूप फल देने वाले परम पित्र धनुष कोटि को जाओ। वहां जाकर पितरों को पिंडदान करो, क्योंकि वहां पिंडदान करने से कल पर्यंत पितरों की तृप्ति होती है। सेतुमूल, धनुष कोटि तथा गंधमादन पर्वत, ये देव निर्मित तीनों स्थान ऋण से छुटकारा दिलाने वाले कहे गए हैं, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में मुक्त हो गया था।